नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पृथ्वी शो आईपीएल में अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद जरूरी हिस्सा है, तो वहीं अपनी युवा बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली टीम में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं और बल्ले से अब तक कई अच्छी पारियां भी खेल चुके हैं। 22 अप्रैल सोमवार को राजस्थान रॉयल के खिलाफ चल रहे मैच में फील्डिंग के दौरान पृथ्वी शो ने कमेंटेटर साइमन डल और मुरली कार्तिक से बात की और उस समय एक मजेदार वाक्य देखने को भी मिला। कमेंटेटर्स ने पृथ्वी शो से जब पूछा कि रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली में से वो किसे चुनना पसंद करेंगे, तो इस पर शो ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शो ने हंसते हुए जवाब दिया कि वह कमेंटेटर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कॉल कट गया है। उनकी इस जवाब के बाद कमेंटेटर के साथ डगआउट में बैठे गांगुली भी हंसने लगे। हालांकि शो ने इसके बाद कहा कि वह दोनों को ही पसंद करते हैं और दोनों से ही सीख रहे हैं। इससे पहले पृथ्वी शो अंडर 19 के दिनों में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी खेल चुके हैं, साथ ही फिलहाल इंडिया ए में भी उन्हें कोच के तौर पर द्रविड़ ही मिले हैं। आपको बता दें कि सोमवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल को 192 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसमें कि मेहमान टीम ने ऋषभ पंत की नाबाद 78 रन और शिखर धवन की 54 रन की पारियों के बदौलत 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पंत और शिखर धवन के अलावा पृथ्वी शॉ ने भी 42 रनों की पारी खेली। उन्होंने पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की अहम साझेदारी की। अगर पृथ्वी शॉ की जगह आपको इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे, कमेंट में बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाकी आईपीएल से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।